परम ब्रह्म के अवतार श्री कच्चा बाबा जी महाराज के जीवन चरित भाग दो का आज हम सभी श्रवण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रणधीर और आप देख रहे हैं अध्यात्म इंडिया। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर किस बात की, अभी कर लीजिए ताकि इस तरह की खास लेटेस्ट वीडियो आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। इसी प्रकार भ्रमण करते हुए बाबा साहब उसी मोतिहारी जिले के गोबराहा नाम के एक नगर में किसी धनवान जमींदार ब्राह्मण के दरवाजे पर गए। उस जमींदार को कोई पुत्र नहीं था। उसने बाबा साहब से पुत्र के लिए प्रार्थना की और कहा कि जो मांगिएगा सो देंगे। उस जमींदार के दरवाजे पर एक बड़ा भारी घोड़ा बंधा था। उस घोड़े से बाबा साहब ने कहा, अरे घोड़ा, इनको जो पुत्र होना हो तो दाहिना पर उठा दो। घोड़े ने दाहिना पर उठा दिया तो बाबा साहब ने उस ब्राह्मण से कहा, जाओ, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ऐसा कहकर वहां से चल दिए। कुछ दिन के बाद फिर उसी जमींदार के मकान पर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उस जमींदार को पुत्र उत्पन्न हुआ है। इसलिए उस ब्राह्मण से कहा कि हम भी ब्राह्मण हैं, तुम भी ब्राह्मण हो, अपनी लड़की की शादी हमसे कर दो, क्योंकि तुमने कहा है कि जो मांगिएगा सो देंगे। इस पर वह इधर उधर करने लगा, परंतु बाबा साहब ने नहीं माना। तब वह जमींदार इनको बोरे में कसवा कर दरियाओं में छोड़वा दिया। जो आदमी दरियाओं में छोड़ने गया था वह रास्ते में ही था कि इतने में बाबा साहब वहां आकर उस जमींदार से उसकी लड़की मांगने लगे। इस बार वह क्या किया कि एक बड़े से सपटे में लपेटवा कर और खूब कस के बंधवा कर फिर वही दरियाओं में फेंकवा दिया। फिर पहले की तरह बाबा फेंकने वाले से पहले आकर के उस जमींदार ब्राह्मण से लड़की की मांग करने लगे। इस पर वह बहुत दीख होकर बाबा साहब को थाने में भेजवा कर कोठरी में बंद करवा दिया। वहां के दरोगा से बाबा साहब ने कहा कि हमें जल्द से जल्द इस कोठरी से बाहर निकालिए, यह मकान गिरने वाला है। पहले तो दरोगा कुछ देर सोचा, फिर बाबा साहब को बाहर निकाल दिए और बाबा साहब के बाहर निकलते ही वह मकान गिर गया। इसके बाद दरोगा बाबा के गोर पर गिरा और बहुत आदर सत्कार किया। वहां से आकर श्री कच्चा बाबा उसी गांव के निकट दरियाओं किनारे मृदघटिए पर बैठ गए। उस ग्राम में हैजे की बीमारी बहुत जोर शोर से उत्पन्न हुई और बहुत आदमी मरने लगे और ग्राम में आग लगा, समूचा ग्राम जल गया। तब ग्रामवासियों ने उस जमींदार से कहा कि आप चलकर बाबा साहब को मनाइए। जमींदार यह सुनकर और उत्पात देखकर बाबा साहब के पास समूचे गांव को साथ लेकर गया और बाबा साहब के गोर पर गिरा और अपनी लड़की देना स्वीकार किया। बाबा साहब की तो लड़की से कुछ काम नहीं था, केवल उसकी परीक्षा लेते थे। जब वो लड़की दे दिया तो बाबा साहब ने आशीर्वाद दिया कि इस लड़की का विवाह किसी राजा से होगा। यह बात ठीक हुई, उस लड़की का विवाह किसी एक छोटे राजा के साथ हुआ। गांव वालों को बाबा साहब ने आशीर्वाद दिया कि इस गांव का नाम गोबर रहा है, इसका गोबर करसी जल गया, आज से इस गांव का नाम सोनबरिसा हुआ। ठीक उस दिन से उस गांव का दिन फिर गया, समूचे गांव का मकान ईटा का हो गया, कोई कोई का पक्का मुंडेरा भी हो गया और सोनबरिसा नाम से वह गाँव आज तक विदित है।